गए और नए खरीदे गए ताकि एविडेंस मिल सके। और बंधुगण, ऐसे 140 फोन पर मनीष सिसोदिया जी और उनके साथियों ने कुल मिलाकर के 1,20,00,000 रुपए खर्च किए। 1,20,00,000 रुपए इस प्रकार के 140 मोबाइल फोन, सोचिए, जो सादगी की कसम खाते थे, जो गारंटी लेते थे हम राजनीति में नहीं आएंगे, जो गारंटी लेते थे हम अपना खुद का घर नहीं बनाएंगे, जो गारंटी लेते थे हम जीवन भर ऑटो रिक्शा में चलेंगे, ऑटो में लटक लटक के आएंगे, हमारे पास तो मोबाइल फोन और हमारे पास लैपटॉप नहीं है, उस मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल के कहने पे ऐसा 140, देखिए उसका किसी का फोन आ रहा है, आएगा फोन, आएगा लोगों का, लोग जग गए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, शराब की नई आबकारी नीति के आरोपों से बचने के लिए आरोपी नंबर एक मनीष सिसोदिया ने सबूत मिटाने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं। पात्रा का कहना है कि सिसोदिया ने 140 मोबाइल फोन जिनकी कीमत 1,20,00,000 बरामद किए गए हैं, इसके साथ ही लाइसेंस बंटवारे में भी बड़ा घोटाला हुआ है। और इसके अंतर्गत एक सवाल इस रिमांड लेटर में उठता है जो कि मीडिया ने पूछा है, ये जो आबकारी नीति थी, दिस एक्साइज पॉलिसी, ये आबकारी नीति दिल्ली सरकार ने कब डिक्लेयर किया, इसे पब्लिक कब किया? दिल्ली सरकार ने इसे 5 जुलाई 2021, 5 जुलाई 2021 को ये पब्लिक करती है। मगर आपको जान के वैसे आश्चर्य होगा नहीं है, इनका चरित्र यही, 31 मई 2021 को एक महीने पहले ये पूरी नीति की जो कॉपी थी, द कॉपी ऑफ द होल एक्साइज पॉलिसी विच वॉज डिक्लेयर्ड ऑन 5 जुलाई 2021 वॉज इन फैक्ट लीक, इसे लीक कर दिया गया था, इसे दे दिया गया था पहले से ही मनीष सिसोदिया के मित्रों को, कार्टेल्स को, ये जो समूह था मैन्युफैक्चरर्स का जो गोरख धंधा कर रहे थे मनीष सिसोदिया के लिए, उनको ये पहले से ही दे दिया गया था ताकि ये अपनी तैयारी पहले से करके रखे। आश्चर्य का विषय जो मैं आगे कहने वाला हूं उस पर आप गौर फरमाइए। आगे ये कहते हैं, इट हैज बीन रिवील्ड दैट देयर आर अप्रोक्सीमेटली 3,400 केसेस वेयर द जो एक्साइज डिपार्टमेंट है, ये जो आबकारी विभाग है, ये जब लाइसेंस देती है तो ये लाइसेंस को अपलोड करना, ये होलसेल के विषय को समझना, उनको लाइसेंस इत्यादि देना, इसका काम ये सुबह होना चाहिए जब सूरज सर के ऊपर हो, 8 बजे सुबह से लेकर शाम के 8 बजे तक, 8 AM to 8 PM। मगर लगभग 3,050 ऐसी होलसेल कंपनी है, ये जो मनीष सिसोदिया की यार कंपनियां जिसको हम कह सकते हैं, उनकी कंपनियां हैं जिनको रातों रात सुबह भी काम और 10 बजे रात से लेकर सुबह 7 बजे 10 PM to 7 AM उस समय भी ये लाइसेंस अपलोड करने का काम ये मनीष सिसोदिया के कहने पर एक्साइज विभाग कर रही है। घोटाला किया, जब इस पे जांच बैठाई गई तो डिजिटल एविडेंस छुपाने के लिए 140 मोबाइल फोन बर्बाद किए गए, 140 ऐसे मोबाइल फोन बर्बाद किए गए और नए खरीदे गए ताकि एविडेंस मिट सके। और बंधुगण, ऐसे 140 फोन पर मनीष सिसोदिया जी और उनके साथियों ने कुल मिलाकर के 1,20,00,000 रुपए खर्च किए। 1,20,00,000 रुपए इस प्रकार के 140 मोबाइल फोन, सोचिए, जो सादगी की कसम खाते थे, जो गारंटी लेते थे हम राजनीति में नहीं आएंगे, जो गारंटी लेते थे हम अपना खुद का घर नहीं बनाएंगे, जो गारंटी लेते थे हम जीवन भर ऑटो रिक्शा में चलेंगे, ऑटो में लटक लटक के आएंगे, हमारे पास तो मोबाइल फोन और हमारे पास लैपटॉप नहीं है, उस मनीष सिसोदिया ने
अरविंद केजरीवाल के कहने पे ऐसा 140 देखिए उसमें किसी का फोन आ रहा है आएगा फोन आएगा लोगों के लोग जग गए हैं।